हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले शेरनी के ट्रेलर के बारे में। और शेरनी ट्रेलर लुक्स प्रॉमिसिंग बट डिसेंट। आज मतलब क्या है शेरनी के ट्रेलर में और क्या है डिसएडवांटेज और एडवांटेज, देखिएगा पूरे वीडियो। तो शेरनी का ट्रेलर एक बहुत ही पावर पैक्ड परफॉर्मेंस वाला, ज़्यादा बड़ा लग नहीं रहा है, कोई घूस बम्स दे नहीं रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है ये मूवी एक रिकॉर्ड बनाएगी। कम से कम न्यूटन मूवी के डायरेक्टर ने बनाई है, तो सच में भाई ये मूवी छक्का तो मारेगी। अभी इस मूवी में छक्का मारने ऐसी बात क्या है, क्या है इसका एडवांटेज, इसकी स्टार कास्ट। यार इसकी स्टार कास्ट एकदम अमेजिंग है, एकदम स्टेलर है, क्योंकि इसमें विद्या बालन है, फिर नीरज काबू है और विजय राज है, दूसरे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं और सबने बहुत ही ग्रेट काम किया है। जो शरद सक्सेना है इसमें जो काम किया है वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इनके रोल में, बट बहुत अच्छे उनका कैरेक्टर है। और इसकी ये जो शेरनी मूवी का इसमें जो ट्रेलर में जो दिखाया गया है वो आपको मैं बोलता हूँ, एक शेरनी है जो जंगल में है, वो अभी उस जंगल में उस शेरनी को ढूंढने जाती है विद्या बालन, क्योंकि गांव वालों को बहुत परेशान करती है शेरनी और एक दो लोग की मौत भी हो जाती है। अभी मतलब विद्या बालन को शेरनी बोला गया है या वो जो शेरनी है उसको ही शेरनी बोला गया है, वो कुछ मुझे पता है नहीं, क्योंकि मूवी तो अभी तक आई नहीं है। अभी वो क्या होता है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जब विद्या बालन जाती है शेरनी का मतलब रेस्क्यू करने के लिए या शिकार करने के लिए, अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। मतलब स्टेलर कास्ट है, फॉरेस्ट ऑफिसर दिखाया गया है विद्या बालन को इस रोल में, पहली बार आ रही है। अभी इस मूवी में क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, पर इस ट्रेलर को मैं दूंगा 5 में से 2.5 स्टार्स। ज़्यादा गूज़बम्प्स देने वाला नहीं था, डिसेंट था, एक बार देखने जैसा था, बट बहुत ही अच्छी स्टेलर कास्ट के वजह से मैं ये 2.5 स्टार्स दे रहा हूँ। और डायलॉग बहुत ही अच्छे थे, लास्ट वाला डायलॉग बहुत अच्छा था। आपको शेरनी का ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, कैसी थी, कौन सा सीन आपको अच्छा लगा मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा। और टिल देन बाय बाय, जय हिंद और वंदे मातरम।